हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सामल और आपको मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सामल में स्वागत है। आज हम जानेंगे जो प्रेसिंग आयरन का रिपेयर के बारे में। देख लीजिए दोस्तों, ये मैनुअल आयरन है, उसमें कुछ नहीं है, एक स्विच है, एक ऑयल है, एक एलईडी लाइट है, बस उतना ही है उसका अंदर में। उसको हम खोल के अभी दिखाएगा आपको उसका रिपेयर कैसा होता है। देख लीजिए दोस्तों, ध्यान से उसको खोल दीजिए। और वो 450 वाट का है, 220 वोल्ट में चलता है। देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, उसको चेक करके खोल के अभी मैं आपको दिखाएगा दूसरा कॉइल डाल के क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको रिप्लेस करके आपको दिखाएगा। देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, उसको पहले हम खोल देंगे। ये हमारा कॉइल का दोनों पॉइंट होता है, मल्टीमीटर में पहले चेक करके बताएगा आपको। कोई भी बीप आवाज नहीं आ रहा है, कॉइल ही हमारा खराब है। जो आयरन आया था उसका कंप्लेन था कि हीट नहीं हो रहा है, मतलब कि हम चेक करें तो अभी कॉइल खराब निकला है। ऊपर का प्लेट निकाल दें, जिसको कॉइल को जो प्रेस करके रखता है वो प्लेट को पहले निकाल दीजिए। निकालने के बाद में ये देखिए दोस्तों, ये कॉइल है, ये कॉइल जल चुका है पूरी तरीका से। देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, ये इधर से फट गया है। अभी जो प्लेट है वो प्लेट को पूरा अच्छे से साफ करवा दीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये नया कॉइल है, वो भी 450 वाट का है। वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा 40 रुपये में, 30 रुपये में। देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, ये हमारा नया कॉइल है, ये पुराना कॉइल है। देख लीजिए दोस्तों, इसको चेक करके आपको दिखाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी मैं सीरीज टेस्ट टाइम पे आपको दिखाएगा। अभी कॉइल चेक करेंगे पुराने कॉइल में, देखिए कुछ भी हमारा बॉल नहीं जलता। अभी नया कॉइल में बॉल जलता है, तो हमारा कॉइल ठीक है, एकदम ठीक है, नया कॉइल है। उसको अभी हम लगा के दिखाएंगे आपको। देख लीजिए दोस्तों, फिर कॉइल डाल दीजिए, उसके बाद में उसको कॉइल को जो पकड़ के रखता है जो प्लेट उसका ऊपर में, उसको डाल के नट बोल्टिंग कर दीजिए। नट बोल्टिंग होने के बाद में हम उसका अंदर का खोल के आपको दिखाएगा स्विच का वायरिंग कैसा हुआ है उसका अंदर में। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले इसको एकदम से बढ़िया से टाइट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका केबल का भी कंप्लेन आया था, केबल भी चेंज कर देंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नया है हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन को दबा दीजिए। जैसा कि मैं पहले वीडियो डालूँगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्क्रू खोलने बाद में ये जो हैंडल है उसका पकड़ने वाला हैंडल बाहर निकल गया है। दो नट बोल्ट रहता है इंसुलेटर के साथ में। ये मैनुअल आयरन है दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, कॉइल रहता है, स्विच रहता है और अंदर में एक इंडिकेटर रहता है एलईडी। जो ऑटोमेटिक आयरन होता है उसमें तो बहुत चीज़ लगता है, थर्मोस्टाट वगैरह वो चीज़ लगता है, इसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया से एक राउंड गांठ मार दीजिए उसमें, ताकि केबल अंदर से ना निकले। फेस को हम कंट्रोल करेंगे स्विच में।
फिर इसका ऊपर पॉइंट को एक कॉइल को देंगे, जो स्विच रहता है वो नीचे पॉइंट में फेज हो गया, ऊपर पॉइंट से हम एक कॉइल को दे देंगे। और जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो कॉइल का दूसरा पॉइंट में दे देंगे। और जो दो एलईडी का जो दो लीड निकलता है वो जो दोनों लीड को कॉइल के साथ में ही लगा दीजिए। यही तरीका से आप घर में आसानी से आयरन को रिपेयर कर सकते हैं। जैसा निकाला था स्विच को ऐसा वापस से उसको फिट कर दीजिए। प्लीज दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नट बोल्ट जैसा निकाला था ऐसा निकाल दीजिए। नीचे की तरफ का कॉइल का जो पत्ती होता है उसको फिट करवा दीजिए। अच्छा से टाइट कर दीजिए। ध्यान दीजिए वो नट बोल्ट जो है वो अंदर में आयरन का प्लेट के साथ में कोई टच ना हो जाए, ऐसा ध्यान दीजिए। दूसरा वाला नट बोल्ट को ऐसा ही सेम तरीका से ही कीजिए। हो गया ये। जो हैंडल को हम निकाला था वो हैंडल को स्क्रू लगा के फिर से टाइट कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए। देख लीजिए दोस्तों कॉइल को फिट करने का बाद में एक बार जरूर चेक कीजिए कि बॉडी में हमारा शॉर्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, बॉडी में लीकेज वगैरह आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं तो डेंजर हो सकता है। अभी हमारा कॉइल ठीक है, देख लिए हम लोग। अब लगे वापस से हम जैसे निकाले थे उसको वापस से ऐसा फिट कर देंगे। उसके ऊपर में जो नट बोल्टिंग है उसको टाइट कर दीजिए। देखिए दोस्तों हमारा आयरन रेडी हो गया है। अभी ऑन करके उसको मैं दिखाएगा, अभी थोड़ा टेस्टर डाल के देखिए उसको कोई लीकेज वगैरह आता नहीं आता है। अभी पावर सप्लाई दे के एक बार चेक कर लीजिए हीट हो रहा है नहीं हो रहा है और लीकेज वगैरह आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी बराबर हमारा हीट हो रहा है।